जय साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज दोस्तों बात करेंगे इंडियन आर्मी ओपन भर्ती के बारे में। भर्ती फॉर्म दोस्तों आपके शुरू हो चुके हैं। अगर आपने दोस्तों 8वीं 10वीं पास या फिर प्लस टू पास हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और कौन कौन इस भर्ती में भाग ले सकते हैं दोस्तों, हम सब डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें क्या गर्ल्स भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, हम सब डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो भाई पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में सब जानकारी लेना चाहते हो, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ इस भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स ऊपर देखिए, यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस चरखी दादरी हरियाणा। तो दोस्तों आपकी जो भर्ती हरियाणा वालों के लिए है, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे देखिए, यहाँ पे आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड ऑन एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़। अगर आप दोस्तों चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हो। अभी देखिए, फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 14 जुलाई तक आपकी दोस्तों ये भर्ती होगी, राव तुलाराम स्टेडियम में होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, बात करें फ्रेंड्स आपकी, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज के बारे में। सोल्जर जीडी की आपकी भर्ती होगी, सोल्जर कलर के लिए होगी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए होगी, ठीक है। और दोस्तों बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपकी जो एज है दोस्तों 17 साल से 21 साल तक ही मांगी गई है जीडी में। और यहाँ पे देख लिए फ्रेंड्स, बोर्न बिटवीन बोथ डेट इज इंक्लूसिव, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपकी हाइट के बारे में बात करूं, आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जीडी में। वेट आपका 50 kg होना चाहिए, 50 से कम हो आपका नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा हो आपका चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स आपकी चेस्ट के बारे में बात करें, आपकी चेस्ट 277 से लेके 82 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 77 आपकी बिना फुलाए, 82 फुला के आपकी चेस्ट होनी चाहिए। आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, सो प्लीज आप तैयारी कीजिए अगर आपकी चेस्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। बात करके क्वालिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स, आपके पास 10th पास होने चाहिए, आपके पास 10th में 45% मार्क्स होने चाहिए। आपकी अगर बात करें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, आपके 33% मार्क्स हर पेपर में होने चाहिए, 33 नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर टोटल की बात करूं, आपके 10th क्लास में 45% 45% नंबर होने चाहिए। अगर बात करें सोल्जर कलर के बारे में, आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 17 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपका दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अगर आप कलर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। आपकी हाइट की बात करूं, जो दोस्तों आपकी हाइट है इसमें 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए, कलर वालों के लिए 165 सेंटीमीटर। आपके वेट के बारे में बात करूं, आपका जो वेट है दोस्तों 50 kg होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा हो चल जाएगा। अगर आपकी चेस्ट के बारे में बात करूं मैं, यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 77 बिना फुलाए, 82 फुला के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है आपका। अगर मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, कलर के लिए आपके पास प्लस टू पास होना चाहिए, आपने आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी उससे कर रखी हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आपके पास 260% नंबर होने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट की बात करूं, आपके हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 50% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होने जरूरी है। अगर आपके 49 नंबर भी हैं अगर इंग्लिश या फिर किसी सब्जेक्ट में, आपको ये फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन के बारे में। आपकी एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, आपकी जो एज है इसमें 17 से 23 साल होने चाहिए। अगर बात करो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप सोल्जर ट्रेड्समैन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपकी हाइट के बारे में बात करो, आपकी जो हाइट है इसमें 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर 5 फुट 7 इंच, ओके। आपके वेट के बारे में बात करूं मैं, यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए, आपका 50 kg वेट होना चाहिए। आपकी चेस्ट भी मतलब सेम है, 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 77 बिना फुलाए, 82 फुला के। आपके पास दोस्तों 10th पास होनी चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए 10th पास। आपके दोस्तों हर सब्जेक्ट में 33% नंबर भी यहाँ पे अनिवार्य हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। हाउसकीपर के लिए अगर बात करूं, आप फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे आपकी जो एज है दोस्तों 17 से 23 साल होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में फ्रेंड्स बात करूं, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 फुट 7 इंच। आपका जो वेट है 50 kg होना चाहिए। आपकी जो चेस्ट है 77 से 82 होनी चाहिए। आपके पास 8th पास होने चाहिए अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ भी आपको बात पूछनी हो, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा।
और फ्रेंड्स आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब वाली। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, उस पर आप क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिए। आपके वीडियो लाइक करने से चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ ये जो फॉर्म है दोस्तों गर्ल्स फिलअप नहीं कर सकती हैं, गर्ल्स का कमेंट बहुत आता है कि सर ये फॉर्म हम फिलअप कर सकते हैं क्या, तो देखिए आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। जो भी पैरामिलिट्री फोर्स होती है आप उनमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, फिर इंडियन आर्मी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपके स्पेशल फोर्स के फॉर्म निकलते हैं इंडियन आर्मी में वो अभी आए हुए नहीं है। जब भी आपके फॉर्म आएंगे मैं अपने स्पेशली वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आपको कुछ भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट जरूर करें।